हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज है 25 दिसंबर, आप सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस। और आज है तुलसी दिवस भी, मंदिर में आज तुलसी वितरण किया जाएगा। अगर टाइम मिला तो जाऊंगी, मगर मुझे मुश्किल लग रहा है, आज जा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ और ही ठान रखा है आज, तो मुश्किल लग रहा है कि जा पाए। तो फिलहाल मौसम आज है बहुत बढ़िया, खूब अच्छी सी धूप खिली हुई है, देखिए एकदम बढ़िया धूप है आज, मस्त वाली। तो मैंने आज सोचा है, सबकी छुट्टी है, इनकी भी छुट्टी है आज और चाहत की भी छुट्टी है, सब लोग हैं घर पे, तो आज बनाएंगे चूल्हे पे ही नाश्ता बनाएंगे और चूल्हे पे ही खाना बनाएंगे। एक तरफ लगा दी है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं, और दूसरी तरफ सब्जियाँ वगैरह काट के रख दी। अभी ये पूजा कर रहे हैं और चाहत तो उसी भी लेते हैं क्योंकि वो फुल संडे बनाएंगे आज, सबसे लास्ट में वही उठेंगे। तो चलिए करते हैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली है, बर्तन इधर रख लिए, और ये है आलू, इधर काट के रखा है पालक। आज पालक की दाल बनाएंगे, मक्के की रोटी, और मसालदानी भी लेके रख ली है, तेल वगैरह रख लिया है, और इधर बिछा दी चटाई। इसके बाद जलाएंगे चूल्हा और बनाएंगे पहले आलू सोया मेथी की सब्जी और पराठा। तो आज चूल्हे से लेके खाना तक टोटल चूल्हे पे बनेगा सब कुछ। और ये लोग अभी दोनों लेटे हैं, उठना नहीं है। चाहत ये भयंकर सो रहा है, तुम उठ गई, उठो फिर, उठ जाओ। उनकी चल रही है अभी पूजा, राजा माधव हो रहे हैं रेडी। हाँ अभी तो श्रृंगार ही चल रहा, अभी चल रहा इनका श्रृंगार। चलिए इनको पूजा करने देते हैं, हम लोग करते हैं अपने नाश्ते की तैयारी। तो बनाने जा रहे हैं सोया मेथी सब्जी और पराठा। मेरे भूख लगी है, उठोगे कि बेड पे ही देते पराठा सब्जी बनाओ? हाँ इतनी जल्दी भूख लगाई, उठ नहीं पाई है। कितना बज गया? 10 बज गया है, देखो 10 हो गया। 10 यार चुप रहो, खोपड़ी पे 10-10 करवाई कह रहा, चुप रहो खोपड़ी पे बोल रही हूँ। ओ भाई तो प्लेट जलने लगी। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया उन्ना तो यहाँ पर हमारी सब्जी बन चुकी है चूल्हे पर, बन चुकी है, बन रही है, अरे मतलब बन रही है। अभी छौक ओक दी गई, और ये बाबा ट्रैक्टर की आवाज आता है वीडियो में, मुझे ये नहीं समझ आता ट्रैक्टर बेकारी रोड है ना, ट्रैक्टर तो निकलेंगे ही। सुबह का नाश्ता ये बन रहा है, तो फिर ये किस लिए रखा है? इसका मतलब कि खाना भी यही बनेगा।
ओके ये मक्खी ये कहाँ बनेगी? ओए सब्जियों में मत जाओ। मम्मी आ चुके हैं आटा लेके, यहीं पे आटा ही मारूं। अच्छा मक्के की रोटी बनाएंगे और उसकी जौ वाली रोटी बनाएंगे आज दोपहर में ना, सब्जी पराठा बना ले। बाकी वो बनाएंगे पालक की दाल और वो पालक की दाल और मक्के की रोटी, सब्जी ओ चावल सब्जी चटनी। नाश्ता हो जाए ना फिर आराम से देखते हैं, कपड़े भी धुल गए, इतना आटा लगा ले केवल नाश्ता हो जाएगा, इतने में पराठा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनका आटा भी मर चुका है, एकदम डन कंप्लीट होने वाला है आटा। हाँ दीपक सो क्या निकल जाते हैं 8 बजे बोलते निकल जाते हैं पता नहीं इतने दूर गए, ऊपर डाल दोगे जगह? यहीं डाल दो ना, यहाँ जगह नहीं है बिटिया, ऊपर डाल दो जगह। यार मैं पीते भरी रहते हैं पाटा बैठ जाती तो ऐसी हो जाती। के मम्मी क्या मम्मी हां तो ले के जा। हां सर पर तो होय लाग हां नानी वाले से कपड़े धोना होत रहे। हां क्या चीज पहले जैसे पराठा पे लगाने के लिए तेल कपड़ा नहीं कपड़ा याद हुई ऐसे से किया जाता था याद है? नहीं हमारे यहाँ नहीं बनता था, नहीं इनके यहाँ बनता था, हमारा नानी करता था, हम नहीं करते। तो अभी भूख जा रहा है माधव के लिए, वो छोटी सी प्लेट में जो लग रहा है पराठा बन जाए, बस पराठा होता है पराठा नहीं होता है, तो लग गई प्लेट। रखिए दूरी रुकी उठा लाएंगे वहाँ रखा रहता पूरा दिन उठा ये वहाँ खाने ना लगे अभी पूरा दिन रखा रहता है तो वो महाराज हाँ वही तो, लेकिन महाराज जी ने कहा था जैसे खाना रखो तो 10 मिनट बाद उठा लो दृष्टि भोग करते हैं, और अगर आप रखे रहो तो कहें जैसे आपके सामने कोई खाना रख दे और शाम तक ना उठाए कैसा लगेगा, तब से हम उठा लेते। तो अब पापा जा रहे हैं खाने, कैसा बना है? एक को ना खाए कैसा बना? नहीं खिलाऊं नहीं। देखो पापा मैं कुछ नहीं करने एक तो ये बुलेट वाले तो और है डर 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 डर। तो फाइनली हम लोग का खाना वगैरह बन चुका था, बारी थी खाना खाने की, तो हम लोग बड़े ही आराम से बैठ के खाना खा रहे थे और सबकी बातें भी हो रही थी, सामने वाली आंटी खा रही थी तो सब लोग उनसे बातें कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। और अभी जो पीछे लड्डू गोपाल की बात हो रही थी कि अगर किसी के सामने पूरा दिन खाना रख दो तो क्या बोलते हैं ऐसे बुरा लगेगा नहीं लगेगा, ऐसी भूख की बात हो रही थी कि अगर पूरा दिन भगवान के सामने ऐसा भूख रखा रहेगा तो उन्हें कहाँ अच्छा लगेगा। और ये मम्मी है हमेशा अपने लिए मोटा वाला पराठा बना के रख लेती हैं, अपना मोटा वाला पराठा खाते हैं हम लोग को पतले वाले देती हैं। और यहाँ पे पापा के लिए वो क्या बोलते हैं जीन्स या पैंट बननी थी तो उसका साइज लिया जा रहा था, सही नाप रहे थे खड़े होकर। क्या का टहल हो गया संध्या भी कोई टहल नहीं कहाँ टहल संध्या संध्या के पास कोई अल्फाज नहीं है संध्या को लोग छुट्टी देते हैं दोपहर के खाने की क्योंकि नाश्ता सब बन चुके हैं और सब लोग खा चुके हैं दोपहर के ही बोला हमने। यहाँ पर अभी बन रही है चावल और यहाँ पर दाल पालक की दाल। तो हम नहा के आ चुके हैं और अभी बाहर खाने की बनने की चांस आ गई है, यहाँ पे मैंने बाल धुले हैं तो मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है, तो बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं चल के।
ये यहाँ पर अब बन रही है दाल। इतने तन मन धन से दाल बनाई जा रही है एकदम। अच्छा मान लो तुम इतने मन से दाल बनाओ फिर वो अच्छी ना बने। अच्छा हो नहीं सकता। अभी तो पकेगी बाद में इसमें अलहन लगेगा। ये क्या होता है? वो आटा घोल के लगाता है। अच्छा कोई कोई बाजरे का आटा लगाता है, कोई मक्के का लगाता है, कोई गेहूं का लगाता है। तुम काहे का लगा रही हो? हम गेहूं का। तो इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसको पकने देंगे। दाल पक जाएगी इसी। पानी छोड़ेगा ना वो चावल बन ही गया। चावल में तो बिल लिया। नमक है नहीं यहाँ पे? कभी दो पराठे आ रहे नमक के साथ। क्यों सो रहे? उठो खाना नहीं खाना। चार बज गया रोटी बनने लगी। रात में जगोगे क्या बेटा? दिन में सो रहे हो? और क्या। तो अब आ गया नया सेफ। सब्जी और क्या नाम चावल हमने बनाए, रोटियां ये बना रही। काहे की रोटी बना रही? बिर्रा वाली, बिर्रा की रोटी। जो और जो मटर मिक्स करके आटा बनता है उसकी। इधर रखी पालक की दाल। लोहे कढ़ाई बनी है, बहुत अच्छी बनी है। मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी। और मुझे काम मिला है सोया मेथी काटने का। तब तक ये रखा है सोया मेथी, इसको बैठ के काट लेते हैं। तब तक वो बनाएंगी रोटी। विपिन यहाँ खाना खा रहे हैं गाइस। विपिन छरिया फेंक दिया है मैंने। अरे विपिन बाहर बैठ गया। बाहर बैठ। चलो थाली से स्टाफ सब्जी सब्जी काफी देर से 1 घंटा हो गया। 3-4 घंटे से तो यही ऊपर ही है विपिन। संध्या से 3-4 घंटे से क्या खा लो तुम भी? नहीं सहनसा कुछ चंद घंटों के बाद मौसी सीधे ऊपर आते हुए। वो बोली थोड़ा सो उले फिर खाएंगे। इतना लंबा सोई है आज मम्मी। यहाँ सबको लगा लगा दे रही पाले को रोटी। वहाँ बन नहीं चूल्हे पे अभी। तुमको आ गई बस मम्मी बना बना के सबको दे रही है। ये रखी सब्जी, वो रखी रोटी, ये मौसी जो आ गई आज, वहाँ अंकल खा रहे हैं। ये सन्ना टाइल नहीं सबसे। विपिन क्या कर रहे भाई? बैठे ये वहाँ कुछ कर रहे। खाना पानी होने के बाद अभी यहाँ पर ताए जा रहे हैं इनके कपड़े। दर्द हो रहा है आधा। मेरा भी इस तरफ का दर्द हो रहा है बहुत तेज। मेरा भी मेरा नहीं जहाँ पापा दादी से बात कर रहे लेट के चाहत के हैं कोचिंग। मम्मी 3 बार चाय पी चुकी हैं तब से। हाँ अगर जो एक सूख बार गया शाम अगर लगे आ जाती 3 बजे लगे तो घंटा बार। तो अभी हो रहा है हम लोगों का सर दर्द और इसी के साथ हम लोग ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। वीडियो स्किप करके कम देखिए एंड बाय बाय। कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा आने वाला है। बाय।